से भरे टिप्पर ने ट्रैक्टर के 6 लोगों को कुचला था, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य गंभीर जख्मी थे। आज फिर से ऐसा ही एक हादसा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुस्साए लोगों ने हादसे में मृत व्यक्तियों की लाश को रोड पर रख कर चक्का जाम किया है। टिप्पर मालिक को मुआवजा देने की और उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग ग्रामवासी कर रहे हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आंदोलन से न्याय की मांग सैकड़ों ग्रामवासी कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे से पहलगांव बस स्टॉप गोंदिया तिरोड़ा रोड, सूत्रों से पुलिस ने लाठी चार्ज करने पर ग्रामवासियों ने पत्थरबाजी कर पुलिस गाड़ी तथा पुलिस का विरोध प्रदर्शन किया। बॉडी लेके जाएंगे, अन्यथा बॉडी यही रहेगी और यदि निर्णय नहीं होता है तो कल से फिर और उसमें नया उठाव हमारे गांव ग्रामीण करेंगे। मागनी म्हणजे सर आपण रोडाला चालू शकता म्हणजे याची काही गॅरंटी नाही आहे, कारण की रोड आहे सरकारची आणि हे प्रशासनाने काय सर्व मोठ्या लोकांना अधिकार दिला आहे की 75% शेतीवर गेले होते, काय काम करत हे लोक शेतीवर गेले होते सर, ते खात पिकायला खाली गाडी घेऊन सरी घराला येत होते। त्याच्यानंतर हे जो अवैध गाडी जो टिप्पर म्हणजे आपला वाळूजा हां त्या लोकांनी मागे येऊन फोर्स मारून त्यांना आपल्या कब्ज्यामध्ये घेऊन पूर्ण लोकांना त्या अवस्थेमध्ये पोचायला सर।